आजच डाउटनॉट ॲप डाउनलोड करा। डाउटनॉटवर इयत्ता 6वी ते 12वी करता मॅथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीचे सर्व डाउट्स असतील। काय सोडवणार तेही मराठीत। फक्त तुम्हाला अडलेल्या प्रश्नांचा फोटो काढा, त्याला क्रॉप करा आणि त्वरित व्हिडिओ सोल्युशन मिळवा। आणि असे बरेच व्हिडिओ बघण्यासाठी डाउटनॉट मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो गिवन क्वेश्चन में बोला गया है कि दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम दो रेजिस्टेंस को कनेक्टेड कर लेते हैं पैरेलल में R1 एंड R2, तो उस केस में अगर हम बैटरी कनेक्टेड करेंगे V वोल्ट की, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो सेम होगा V। और अब सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से अगर हम से रिप्लेस करते हैं, तो तब भी बैटरी तो V वोल्ट का ही कनेक्टेड रहेगा। तो फाइनली जो करंट होगा I = V / R equivalent, और इनिशियली जो हमारा टोटल करंट होगा, इधर बैटरी जो सप्लाई करी है वो बराबर होना चाहिए। तो टोटल करंट हमारा यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा I1, और नीचे होगा हमारा I2। तो I1 प्लस I2 मतलब V/R1 प्लस V/R2। एंड दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/R equivalent या V/R equivalent is equals to V/R1 प्लस V/R2। सो इन दिस वे 1/R equivalent हमारा हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट 1/R1 प्लस 1/R2, या हम इसे बोल सकते हैं, अच्छा इस ऑप्शन में देखें तो दोनों जगह R2 है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो ये तो हमारा कैंसिल है। बट हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये तो हमारा 1/R equivalent है, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा R1 R2/R1 + R2। सो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो सेकंड है हमारा वो मैच कर रहा है, R1 R2/R1 + R2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।